के उज्जैन जिले में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन और गेल इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में 16 जनवरी से 15 फरवरी 2020 तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उज्जैन के दशहरा मैदान में सक्षम साइकिल डे 19 जनवरी को मनाया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का शीर्षक ईंधन अधिक न खपाए आओ पर्यावरण बचाए। साइकिल डे इस जागरूकता का अभियान का हिस्सा है और जो कि दशहरा मैदान से शुरू होकर शहर के अन्य मार्गों से होती हुई रैली का समापन होगा। इस कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि 18 जनवरी को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दशहरा मैदान पर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसकी कोई भी फीस नहीं। इस साइकिल डे का आयोजन और एक माह तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और ईंधन की खपत को रोकने और जागरूक करने का है। इस जागरूकता अभियान में 1200 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों को एक राइड किट दी जाएगी। इस साइकिलोथोन में लकी ड्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जीतने वाले 10 प्रतिभागियों को साइकिल गिफ्ट की जाएगी। 12 वर्ष से ऊपर और स्वस्थ लोग इस जागरूकता साइकिलोथीन में भाग ले सकते हैं। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। देश भर में खास कैंपेन चलाने के लिए टुवर्ड्स हाउ टू सेव ऑयल, ईंधन की बचत करें और हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल है, ये अनलिमिटेड नहीं है, इसका एक सीमित है और पर्टिकुलर भारत जैसे देश। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, हमें निर्देश मिले, हम यहाँ पे उसको हम लोग उसको मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे साइकिल डे का है प्रोग्राम है 19 तारीख को दशहरा मैदान पर सुबह जी। रूट तो ये रहेगा, दशहरा मैदान से हम लोग स्टार्ट करेंगे सवेरे 7 बजे के आसपास, जो श्रीगंगा है, श्रीगंगा से लेफ्ट करके कालिदास अकेडमी, तरन तारन होके राइट हम लोग के, फिर देवास रोड पे आएंगे, वहाँ से 3 बत्ती चौराहे से लेके हम लोग टावर से राइट लेके वो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ से होते हुए वापस हम दशहरा में जाएंगे। ये हम लोग 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 घंटे मान के चलते हैं, उसके बाद 2 घंटे हमारा एक प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे, एंकरिंग रहेगा, भाषण रहेंगे, कोई तो डिग्निटरी आएंगी और तो फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, ये सब मिला के करीबन 4-5 घंटे का तो प्रोग्राम है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि अवेयरनेस करना है कि जो पेट्रोलियम सीमित हमारा जो रिसोर्सेस है उसकी बचत करना, इसकी बचत करना हमारा मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ कुछ और उद्देश्य हमारे सॉल्व होते, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, शहरों में भीड़ की कमी है और फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो पैसा आउटलेट होता है उसको बचाना है, और थोड़ा फिजिक्स है ना, अगर हम अपने ओरिजिनल संसाधन यूज़ करेंगे तो हमारा फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो ये पूरा एक मतलब पूरा सभी चीज़ों में इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं